नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस बार मैं लाई हूँ बारिश की में बढ़िया से पकोड़े, जो चाय के साथ मज़ा आ जाएगा आपको, और नए तरीके के पकोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं पकोड़े बनाना। उसके लिए हमें एक आलू चाहिए होगा, बड़ा आलू। और अब छील लेंगे हम आलू के छिलके निकाल लेंगे, और इस तरीके से छील लिया है। और अब मोटी किसनी से हम इसे लंबा लंबा कीस लेंगे, और ये देखिए इस तरीके से कीस लिया है। और अब हमने बेसन लिया है, आधा कटोरी बेसन लिया है, और थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार, हल्दी थोड़ी सी, और अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आप अदरक लहसुन खाते हैं तो डालिए, नहीं खाते तो हटाइए, ये भी इसमें डाल देंगे। और अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके का हो गया है। हमें पानी नहीं डालना है, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आलू ही में ही पानी था, तो इसलिए हमें पानी नहीं डालना पड़ा। ये देखिए इस तरीके से आप है ना, हाथ में लेकर इस तरीके से बड़े 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 बनाइए। ये अब तेल गरम हो गया है, अब डाल देंगे हम इसमें, तलेंगे। आँच, तेल गरम होने के बाद आँच मीडियम कर दें। ये अब पलट देंगे। ये देखिए हमारे बढ़िया से पकोड़े, मज़ेदार पकोड़े, बढ़िया से पकोड़े हो गए ना, खाने में मज़ा आने वाला है। चाय के साथ पकोड़े भी खाइए। तो इतने बढ़िया पकोड़े हैं ये, कि आपने ऐसे पकोड़े कभी खाए नहीं होंगे। बारिश में चाय के साथ लेके बैठेंगे पकोड़े खाने, तो मज़ा आ जाएगा। और इस तरीके से आप बनाइए और खाइए, एंजॉय करिए, और बारिश का आनंद लीजिए। ये तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की बारिश के नए तरीके की पकोड़े। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।